सो योर नेक्स्ट टॉपिक इज़ द ट्रांसलेशन मैकेनिज्म. ट्रांसलेशन मैकेनिज्म. सो ट्रांसलेशन मैकेनिज्म में फर्स्ट जो आएगा वो एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड आएगा. फर्स्ट क्या आएगा? एक्टिवेशन ऑफ द अमाइनो एसिड. एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड. सो अमाइनो एसिड्स की एक्टिवेशन होती है. आप सब जानते हैं कि ट्रांसफर आरएनए जो है वो अमाइनो एसिड मॉलिक्यूल को लेके आता है सेल में. ठीक है, उसके थ्री प्राइम एंड के साथ CCA के साथ जो है वो अमाइनो एसिड अटैच हुआ. वो अमाइनो एसिड जो है उसको सबसे पहले एक्टिवेट होना है. क्यों? क्योंकि उसने वो क्या बनाना है, प्रोटीन्स को बनाना है. तो सबसे पहले अमाइनो एसिड जो है उसको एक्टिवेट करना है हमने. तो कैसे करेंगे? एक रिएक्शन के थ्रू. अगर आपको रिएक्शन दिखाई दे रहा है ये, तो सबसे पहले हमारे पास अमाइनो एसिड है, राइट. ये AA क्या है? अमाइनो एसिड है. एक्टिवेट करने के लिए हमें इसको क्या देना पड़ेगा? एनर्जी देनी पड़ेगी. एनर्जी किस फॉर्म में देंगे? ATP की फॉर्म में देंगे, एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट. साथ में एंजाइम यूज़ करेंगे. ठीक है, एंजाइम कॉम्प्लेक्स यूज़ करेंगे. एंजाइम कौन सा यूज़ करेंगे आप यहाँ पे? ठीक है, एंजाइम कौन सा यूज़ करेंगे? एंजाइम अमाइनो एसाइल AMP एंजाइम कॉम्प्लेक्स. ठीक है, जैसे ही ये एंजाइम जो है वो अपना वर्क करेगा, तो यहाँ पे जो है अमाइनो एसिड के साथ जो है, यहाँ पे अमाइनो एसिड के साथ जो है एक मॉलिक्यूल जो है ATP से निकल जाएगा. यहाँ पे ATP है. ठीक है, ATP से बना AMP, यानी कि एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट से बना एडिनोसिन मोनो फॉस्फेट. एडिनोसिन मोनो फॉस्फेट बचा क्या? यहाँ पे दो फॉस्फेट बच गए. यहाँ पे मोनो है, यहाँ पे क्या था? ट्राई कंडीशन थी, तो मोनोफॉस्फेट बना. तो दो जो हैं वो बच गए आपके पास. दो कौन से बचे? पाइरोफॉस्फेट. वो कहाँ लिखने हैं आपने? यहाँ पे. ठीक है, पाइरोफॉस्फेट. और अमाइनो एसिड के साथ क्या आकर अटैच हो गया? अमाइनो एसाइल. यहाँ पे अमाइनो एसिड अमाइनो एसाइल AMP एंजाइम कॉम्प्लेक्स. यहाँ पे जो एंजाइम लिखा है, ठीक है, यहाँ पे जो एंजाइम लिखा है, ये एंजाइम कौन सा लिया आपने? अमाइनो एसाइल AMP एंजाइम. यही जो है वो किसके साथ अटैच होगा? अमाइनो एसिड के साथ अटैच होगा. यानी कि AA आपके पास क्या बन गया? अब अमाइनो एसिड के साथ जब ये अटैच हो गया तो आपके पास बना ये AA अमाइनो एसिड. मॉडर्न की बुक खोल के आप देख सकते हैं, AMP अमाइनो एसिड, AMP एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स. ये बन गया. साथ में क्या बन गया? दो पाइरोफॉस्फेट. तो इस प्रोसेस में एक्टिवेशन कर दी आपने किसकी? अमाइनो एसिड्स की. सेकंड, जब आपका अमाइनो एसिड जो है वो एक्टिवेट हो गया, ठीक है, ये जो कॉम्प्लेक्स आपके पास बन गया, इस कॉम्प्लेक्स को रिएक्शन नंबर 2 में आप जो है वो यूज़ करेंगे. कैसे? यहाँ पे सेकंड जो है वो आपने ट्रांसफ़र आरएनए मॉलिक्यूल को लिया. ट्रांसफ़र आरएनए मॉलिक्यूल के बीच में जो है क्या आकर अटैच्ड हुआ? अमाइनो एसाइल AMP एंजाइम कॉम्प्लेक्स ने जो है वो इसके ऊपर जो है आकर ट्रांसफ़र आरएनए के ऊपर एक्ट किया. तो यहाँ पे जो है वो ट्रांसफ़र आरएनए ने जो है वो क्या किया? ट्रांसफ़र आरएनए ने यहाँ पे AA अमाइनो एसाइल ट्रांसफ़र आरएनए बन गया. यानी कि AA के साथ ये आकर अटैच हो गया. ठीक है, देन यहाँ पे अमाइनो एसिड और ट्रांसफ़र आरएनए दोनों इकट्ठे हो गए. हमारे पास बच रहे हैं क्या? एडिनोसिन मोनो फॉस्फेट कॉम्प्लेक्स बच गया, साथ में एंजाइम बन गया, साइड में एंजाइम निकल गया. ठीक है, तो इस तरह से ट्रांसफ़र हुआ किसका? अमाइनो एसिड का टू ट्रांसफ़र आरएनए. ठीक है, फाइनली हमारे पास ट्रांसफ़र आरएनए के पास जो है वो क्या आ गया? अमाइनो एसिड आ गया. ठीक है, इस रिएक्शन में देख रहे हो कि ट्रांसफ़र आरएनए के पास क्या आ गया? अमाइनो एसिड आ गया. सेकंड रिएक्शन हुआ ये. सेकंड रिएक्शन में क्या किया हमने? फर्स्ट में हमने क्या किया? एक्टिवेशन किया अमाइनो एसिड का. एक्टिवेशन किया किसका? अमाइनो एसिड का. सेकंड में क्या किया? ट्रांसफ़र किया. ट्रांसफ़र ऑफ अमाइनो एसिड टू ट्रांसफ़र आरएनए. अब थर्ड जो स्टेप है उसमें हम पढ़ेंगे इनिशिएशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन. तो इसमें जो है इनिशिएशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन में हमारे पास ये
ये स्ट्रक्चर है, ठीक है, इनिशिएशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। पॉलीपेप्टाइड चेन कौन सी चेन होती है, पहले समझो कि पॉलीपेप्टाइड चेन कौन सी चेन है। जब बहुत सारे अमाइनो एसिड्स आपस में मिल जाते हैं तो वो किसको बनाते हैं, प्रोटीन्स को बनाते हैं, ठीक है। जैसे बहुत सारे अमाइनो एसिड्स हैं वो आपस में अटैच होते हैं पेप्टाइड लिंकेज के थ्रू और किसको बनाते हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन को बनाते हैं। तो यहाँ पे किसकी फॉर्मेशन हो रही है, पॉलीपेप्टाइड चेन की। तो चार्ज्ड जो ट्रांसफर आरएनए है जिसको हमने चार्ज्ड किया अभी जिसको हमने अमाइनो एसिड दिया, वो चार्ज्ड ट्रांसफर आरएनए किसके पास शिफ्ट हो जाएगा, राइबोसोम के पास। सो थर्ड स्टेप है आपका, थर्ड जो स्टेप है इनिशिएशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन, इनिशिएशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। अब हम देखेंगे यहाँ पे पॉलीपेप्टाइड चेन कैसे बनेगी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रोटीन्स बनने के लिए जो हैं वो मैसेंजर आरएनए को जो है वो कहाँ पे अटैच होना है, स्मॉल यूनिट ऑफ राइबोसोम के साथ, ठीक है। सो चार्ज्ड ट्रांसफर आरएनए, यहाँ पे ट्रांसफर आरएनए दिख रहा है आपको डायग्राम में, ठीक है। यहाँ पे आपके पास, हाँ, आपके पास ट्रांसफ़र आरएनए है जिसके साथ हम ऑलरेडी जो है वो अमाइनो एसिड को अटैच कर चुके हैं, यानी कि ये एक्टिवेटेड ट्रांसफ़र आरएनए है, ठीक है। अब ये ट्रांसफ़र आरएनए जो है बहुत सा, इसके साथ अमाइनो एसिड यहाँ पे अटैच हो गया है, तो इसी के साथ जो है सारे के सारे अमाइनो एसिड्स आकर अटैच होंगे, इसी एंड के पास जो है बहुत सारे अमाइनो एसिड्स आकर अटैच होंगे। जब बहुत सारे अमाइनो एसिड्स आपस में मिलकर जो है वो एक चेन बना देंगे, तो वो बन जाएगी हमारी कौन सी, पॉलीपेप्टाइड चेन। वो कौन सी बन जाएगी, पॉलीपेप्टाइड चेन। हमें फाइनली क्या बनाना है, प्रोटीन को बनाना है। तो व्हाट इज़ प्रोटीन, प्रोटीन इज एक्चुअली अ पॉलीपेप्टाइड चेन। प्रोटीन क्या है, एक पॉलीपेप्टाइड चेन है। सो इसमें आप देखिए ट्रांसफर आरएनए जो है यहाँ पे इसके साथ एक अमाइनो एसिड आकर अटैच हो गया, ठीक है। यहाँ पे ट्रांसफर आरएनए जो है AUG, जो फर्स्ट जो एक्टिवेटेड ट्रांसफर आरएनए हैं वो हमेशा ही जो है वो स्टार्ट कोडॉन के साथ जो है वो अटैच होगा, यानी कि मैसेंजर आरएनए के पास स्टार्ट कोडॉन होगा। जब तक स्टार्ट नहीं करता है ये प्रोटीन्स नहीं बनेगी, यानी कि इसके पास क्या है, AUG है। यहाँ पे आपने देखा ना अभी AUG जो है वो कोड कर रहा है किसके लिए, मिथियोनिन के लिए। तो मिथियोनिन जो बना तो मिथियोनिन को रीड करेगा कौन, ट्रांसफ़र आरएनए। मिथियोनिन को कौन रीड करेगा, ट्रांसफ़र आरएनए, ठीक है। तो ये किसकी फॉर्मेशन करेगा, नेक्स्ट अमाइनो एसिड की। तो यहाँ पे AUG जब आया तो यानी कि ये इसने रीड कर लिया ट्रांसफ़र आरएनए ने कि मिथियोनिन बनने वाला है, मिथियोनिन बन गया। सो चार्ज्ड ट्रांसफ़र आरएनए शिफ्ट टू द राइबोसोम, चार्ज्ड ट्रांसफ़र आरएनए ये जो है ये शिफ्ट कर गया किसके पास, राइबोसोम के पास। द राइबोसोम कंसिस्ट ऑफ द आरएनएज, राइबोसोम में बहुत सारे आरएनएज होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं। राइबोसोम एक ऐसा साइट है जहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस होता है। तो मैसेंजर आरएनए जो है वो 30 ऐसे सब यूनिट जो है राइबोसोम का उसके साथ अटैच हो जाता है। एक्चुअली इसमें हम 70 ऐसे राइबोसोम्स को ले रहे हैं, ठीक है। राइबोसोम आर मेड अप ऑफ एन राइबोसोमल आरएनए, राइबोसोम में क्या होता है, राइबोसोमल आरएनए होता है, ठीक है, प्रोटीन्स होती हैं। राइबोसोम ऑल्सो एक्ट एज अ कैटलिस्ट, राइबोसोम जो है वो कैटलिस्ट का भी काम करते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द पेप्टाइड बॉन्ड। राइबोसोम कंसिस्ट ऑफ 2 सब यूनिट, राइबोसोम में 2 सब यूनिट होते हैं, एक लार्जर सब यूनिट होता है, एक जो है वो स्मॉलर सब यूनिट होते हैं, ठीक है। जो इन्फॉर्मेशन फॉर द सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स, इन्फॉर्मेशन फॉर द सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स, ध्यान दीजिए, तो जो इन्फॉर्मेशन है जो अमाइनो एसिड्स के सीक्वेंस को बनाने के लिए वो प्रेजेंट है किसमें, मैसेंजर आरएनए में, इन द फॉर्म ऑफ दिस नाइट्रोजिनस बेसिस, राइट। मैंने क्या बोला, द इंफॉर्मेशन फॉर द सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स इज प्रेजेंट इन द सीक्वेंस ऑफ नाइट्रोजिनस बेसिस ऑफ मैसेंजर आरएनए। ईच अमाइनो एसिड इज कोडेड फॉर 3 लेटर्स, हर एक अमाइनो एसिड को कौन कोड करता है, 3 नाइट्रोजिनस बेसिस कोड करते हैं, ठीक है। 3 नाइट्रोजिनस बेसिस जो हैं वो कोड करते हैं किसके लिए, अमाइनो एसिड के लिए। द इनिशिएशन, कह रहे कि जो इनिशिएशन है, शुरुआत है जो प्रोकैरियोट्स में पॉलीपेप्टाइड चेन की, वो अमाइनो एसिड मिथियोनिन से होती है, विच इज़ रेगुलरली कोडेड बाय द AUG, जिसको रेगुलरली कौन कोड करता है, AUG। बट कह रहे हैं कि अगर वेलिन अमाइनो एसिड को बनाना है तो वेलिन को कौन कोड करेगा, GUG, ठीक है। प्रोकैरियोट्स में फॉर्माइलेशन ऑफ इनिशिएटिंग अमाइनो एसिड मिथियोनिन इज़ एसेंशियल,
कह रहे हैं कि अगर प्रोकैरियोट्स में प्रोटीन्स को बनना है तो ये बहुत ही असेंशियल है, AUG कोड जो कि मिथियोनिन को कोड करेगा। राइबोसोम के दो साइड्स होते हैं बाइंडिंग अमाइनो एसाइल ट्रांसफ़र आरएनए के लिए। अमाइनो एसाइल ए साइट एक्सेप्टर साइट कह रहा है कि जो राइबोसोम्स होते हैं इनके पास जो है वो दो साइट्स होते हैं। अगली डायग्राम देखिए यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो राइबोसोम का एक लार्जर यूनिट है, लार्जर सब यूनिट है 50S, दूसरा जो है वो 30S है, स्मॉलर सब यूनिट है 30S और लार्जर है 50S, ठीक है। तो राइबोसोम जो है वो मूव करता है लार्जर सब यूनिट की हेल्प से, और जो राइबोसोम होता है इसके अंदर जो है, राइबोसोम के अंदर ही इसके राइबोसोम का पार्ट है। देखिए आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे ये हमारे पास राइबोसोम है, ठीक है। ये एक स्मॉलर सब यूनिट है, ये एक लार्जर सब यूनिट है, ठीक है। अब इसमें जो है राइबोसोम में कह रहा है कि दो साइट्स होते हैं, टू साइट्स होती हैं राइबोसोम में। एक जो है वो ए साइट होती है जिसको हम अमाइनो एसिड ट्रांसफ़र आरएनए साइट कहते हैं। दूसरी हमारे पास पेप्टाइड साइट होती है जिसको हम पेप्टाइडल साइट पी साइट कहते हैं, यानी कि एक पी साइट होती है, दूसरी कौन सी होती है, ए साइट होती है, ठीक है। ईच साइट इज़ कंपोजिट ऑफ स्पेसिफिक पोर्शन ऑफ 50S एंड 30S सब यूनिट इनिशिएटिंग फरमाइल मिथियोनिन ट्रांसफ़र आरएनए कैन बाइंड ओनली विद द पी साइट। कह रहा है कि फरमाइल मिथियोनिन, यानी कि यहाँ पे ही पड़े हैं ना ये AUG कोड भी यहीं पे पड़े हैं मैसेंजर आरएनए के ऊपर, तो ये कोड करेंगे मिथियोनिन को। तो कह रहे हैं कि मिथियोनिन जो है वो हमेशा ही आकर किसके साथ अटैच होगा, राइबोसोम की पेप्टाइडल ट्रांसफ़र आरएनए साइट के साथ। ऑल अदर न्यूली कमिंग अमाइनो एसिड्स ट्रांसफ़र आरएनए इज बाइंड टू ए साइट। और जो कह रहा है कि मिथियोनिन तो हमेशा ही आकर जो है वो पी साइट के साथ अटैच होगा, बट उसके अलावा जितने भी अमाइनो एसिड्स होंगे, जो नए अमाइनो एसिड्स होंगे वो किसके साथ अटैच होंगे, राइबोसोम की ए साइट के साथ जो है वो अटैच होंगे। किसके साथ अटैच होंगे, ए साइट के साथ अटैच होंगे। ये ए साइट है, इसके साथ नए जो अमाइनो एसिड्स आएंगे वो इसके साथ अटैच होंगे, तभी इस फिगर में आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे ट्रांसफ़र आरएनए जो है वो इस साइट पे अटैच हैं, और ट्रांसफ़र आरएनए के साथ जो नए जो अमाइनो एसिड्स बन रहे हैं वो किस साइट के साथ अटैच्ड हैं, अमाइनो एसिड ट्रांसफ़र आरएनए की साइट पे अटैच्ड हैं, ठीक है। तो इसी तरह से जो है वो न्यू पॉलीपेप्टाइड चेन यहाँ बनेगी। जब बहुत सारे अमाइनो एसिड्स आपस में मिलेंगे तो पेप्टाइड लिंकेज के थ्रू जो है वो किसकी फॉर्मेशन करेंगे, प्रोटीन्स की फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो इलोंगेशन होगी, ठीक, जो इलोंगेशन फैक्टर्स हैं वो इलोंगेशन प्रोटीन्स बनेंगे। जैसे ही आपकी जो है वो सभी अमाइनो एसिड्स जो है वो मिलके प्रोटीन्स को बना देंगे, तो फाइनली जो है वो चेन जो है वो टर्मिनेट होनी है, चेन टर्मिनेशन होगा। तो टर्मिनेशन के लिए जो है वो यहाँ पे स्टॉप कोडॉन्स आएंगे। स्टॉप कोडॉन्स जो है वो कौन कौन से होंगे, UAG, UGA, UAA, तो ये सारे तीनों जो हैं वो स्टॉप कोडॉन्स हैं जो कि टर्मिनेशन करेंगे पॉलीपेप्टाइड चेन की। तो यहाँ पर जो है वो थर्ड स्टेप जो है वो आपका कम्प्लीट होता है चेन टर्मिनेशन का, चेन टर्मिनेशन में। और फाइनली जहाँ यहाँ पे जो है सेकंड जो ट्रांसफ़र आरएनए जो अमाइनो एसिड्स को बनाएगा, ये जो अमाइनो एसिड्स हैं ये फिर से जो हैं वो किस साइड पे चले जाएंगे, ट्रांसफ़र आरएनए के इस साइड पे। और यहाँ पे नया जो है वो अमाइनो एसिड एंटर होता जाएगा और जो पुराने हैं वो इस साइड पे चलते जाएंगे। तो इस तरह से कम्प्लीट एक चेन जो है अमाइनो एसिड्स की वो बन जाएगी, जो कि कन्वर्ट होगी किस में, प्रोटीन से। तो इसी तरह से ये टॉपिक जो है ट्रांसलेशन का आपका ख़त्म होता है, टर्मिनेट होता है विद द चेन टर्मिनेशन स्टेप।